और अब बात हरियाणा के करनाल की कर लेते हैं, जहां पर सेना का जवान नशे की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया। आपको बता दें कि सेना के जवान को पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने पकड़ा है। 22 मई को शाम के टाइम मेरे को मेरे इन्फॉर्म ने मेरे को बतलाया था भी एक अखिल देव नाम का आदमी है जो कि सेना में मेडिकल कोर में हेड कांस्टेबल है और उसकी पोस्टिंग मेरठ में है और उसका भाई भी कोई 3 महीने पहले अफीम के केस में यहाँ CIA-1 द्वारा पकड़ा गया था और वो आज अफीम देने के लिए एक UP नंबर की कार में स्टेशन के पास खड़ा है, जिस पर मैंने SI रणबीर सिंह के नेतृत्व में अपनी टीम तैयार करके भेजी। तो रणबीर सिंह वहाँ गया मौका पे, तो ये कार मौका पे मिली वहाँ स्टेशन के पास खाली ग्राउंड में और इसकी तलाशी ली तो इस बैग के अंदर से इसके पास ये जो अखिल देव नाम का हवालदार है इसके पास एक बैग था कार में। बैग में चेक करने पर 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसके बारे में थाना सिविल लाइन करनाल में मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसको कल कोर्ट में पेश करके और इसका 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि सोर्स अफीम कहाँ से लाया, किससे लाया, उसका पता करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। अब इसके और भी साथी हो सकते हैं? हाँ, जो इसको जिसने इसको अफीम दी है वो किसने दी है वो तो पता क्या कुछ पता लगा पहले? अभी इसे बातचीत कर रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं भाई मैं अभी पीछे 12 तारीख को मेरे घर शादी थी, हमारे वहाँ अफीम होती है, मैं अपने घर से लाया था, तो इसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। और बात अमाउंट की हुई है ये कम से भी कम मेरे हिसाब से ये अपना 2.5-3 लाख रुपये के करीब की अफीम है, 2.5 लाख के। और भी लोग हो सकते हैं इसमें शामिल? हाँ, जो जिन्होंने इसको दी है वो भी इसके साथ शामिल हो सकते हैं, इसका भाई भी पहले यहाँ पकड़ा गया है वो भी हो सकता है इसके साथ इसको दे गया हो, ये वहाँ से लाया हो, ये सब यूनिवर्सिटी। ये मेडिकल कोर में इसकी पोस्टिंग है, मेरठ अस्पताल में इसकी पोस्टिंग है और करीब 10-11 साल की इसकी सर्विस होगी।